हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत का क्योर सैम यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि भारत का एक चलता फिरता यानी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। और आपको बताना चाहूंगा, ठीक ऐसा ही एक एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास और मौजूद है, जिसका नाम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अपनी हर कैपेबिलिटी के मामले में और क्षमताओं के मामले में सेम क्योर सैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसा ही है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये एक मोबाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी ज्यादा इजी है। लेकिन इसे दुश्मन के लिए ट्रैक करना बहुत ज्यादा कठिन है। और यही इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है कि युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना इसे कहीं भी ले जाकर डिप्लॉय कर सकती है, चाहे हथियारों के भंडार को सुरक्षा प्रदान करना हो, या फिर किसी इन्फेंट्री की सुरक्षा, या फिर अपने किसी बेस को ही सुरक्षित करना हो। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम हर परिस्थितियों में खरा उतरता है। और दूसरी तरफ बात की जाए क्यूआर सैम की, तो ये कनस्टर आधारित रक्षा प्रणाली है, यानी कि इसे एक विशेष तरीके के डिजाइन किए हुए डब्बे में रखा जाता है, जिससे दोस्तों इसकी सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, अब इसी क्यूआरएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चर्चा दुनिया के कई सारे पहुंचे हुए देशों में होने लगी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीआरडीओ ने इस बात का फैसला किया है कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहे डिफेंस एक्सपो में इस बारी भारतीय क्यूआर सैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपना जमखम दिखाने वाला है, जहां पर पहली बार दुनिया के कई सारे देश भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा करीब से देख सकेंगे और उसके बारे में कुछ जान सकेंगे। आपको दोस्तों एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि दुनिया के कई देशों के पास, यानी कि कई उन्नत देशों के पास और यहाँ तक कि चाइना जैसे देश के पास भी क्यूआर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की टक्कर का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सेकंड के हजारवें हिस्से से भी कम समय में रेडी टू एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और अच्छी बात तो यह है कि अपने हर तरीके के परीक्षण में क्यूआर सैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 100% एक्यूरेसी के साथ अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर डाला। बाकी इसी तरीके की अपडेट को पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल तक बने रहिए। बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।